नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 मई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। चूंकि सैटरडे है, चार आर्टिकल्स हैं, आज चार के चार डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है इन कोविड स्टॉर्म द की प्रिंसिपल्स ड्रिवन होम। इस आर्टिकल को लिखा किसने, तो सीमा चिश्ती जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। ये जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, दिल्ली में बेस्ड हैं और भर भर के इन्होंने बीजेपी सरकार की बुराइयाँ की हैं। बीजेपी सरकार ने अब तक इस कोरोना के क्राइसिस को ओवरऑल हेल्थ फील्ड में जिस प्रकार की अप्रोच रखी है, उस अप्रोच को यहाँ पे सीमा चिश्ती जी क्रिटिसाइज कर रही हैं। तो किस हिसाब से क्रिटिसाइज कर रही हैं इसको देखेंगे, चूँकि चार ही आर्टिकल्स हैं तो चारों देखेंगे। और कल चूँकि संडे है तो मैंने पिछले हफ्ते में जो एडिटोरियल्स छोड़े थे, वैसे मैं संडे को द हिंदू एडिटोरियल नहीं बनाता हूँ, पर पिछले हफ्ते में जो एडिटोरियल्स छोड़ रखे हैं, कोशिश करूँगा कि मैं सुबह सुबह द हिंदू एडिटोरियल में वो आपके सामने अपलोड कर दूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू चिल्ड्रन द राइट वे। आर के विज साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। ये एक सीनियर IPS ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ में। इनका ये बोलना है कि भाई कोरोना के क्राइसिस के दौरान बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और उनके बच्चे अनाथ हो गए। तो इस रिस्पेक्ट में सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी कॉल्स हैं जहाँ पे लोगों को बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करिए। अभी इस रिस्पेक्ट में आर के विज साहब का ये बोलना है कि अगर आप अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करना भी चाहते हो तो उस रिस्पेक्ट में अडॉप्शन का एक प्रोसीजर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी माँ बाप की मृत्यु हो जाती है और बच्चा अनाथ हो जाता है तो कोई भी अगल बगल में रहने वाला भरोसे का आदमी ही। लेकिन अगर आपको अगल बगल कोई ऑर्फन बच्चा दिखता है और अगर आप उस ऑर्फन बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लॉफुल काम नहीं कर रहे हो। ऑर्फन बच्चों को अडॉप्ट करने की एक प्रक्रिया है इंडिया में, एक प्रॉपर प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप किसी भी ऑर्फन को अडॉप्ट करना चाहते हो, समझ गए। इनफैक्ट एक माँ बाप अगर एक बच्चे के नहीं रहते हैं तो जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है ना, अगर उसको भी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो किस प्रकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या क्या तरीके हैं इंडिया में परमिशन लेने के, उसको इस आर्टिकल में समझाया गया, उसको देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सीज द फायर की। अभी इसराइल के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो इसराइल गाजा में बॉम्बिंग कर रहा है। इसके रिस्पेक्ट में मैं ऑलरेडी 3 आर्टिकल्स बना के आपको समझा चुका हूँ। एक द क्लैशेज एट जेरूसलम, ये मैंने समझाया था आपको। फिर कल ही मैंने अपलोड किया है ये वीडियो जहाँ पे इसराइल के आयरन डोम सिस्टम के बारे में बताया है और थोड़ा बहुत ये इसराइल और गाज़ा की जो कॉन्फ्लिक्ट है, पेलेस्टीन की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इंटरनेशनल एंगल उसके बारे में बताया है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि सीरिया में इसराइल और ईरान एक दूसरे के साथ कैसे लड़ रहे हैं। तो अगर आप ये 3 आर्टिकल्स देखते हो कहीं ना कहीं, एक और आर्टिकल बनाया था शायद मैं, मतलब इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, वहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था कि कैसे इसराइल वेस्ट बैंक में धीरे धीरे इंक्रोचमेंट कर रहा है। लगभग 5-6 महीने पहले मैंने आर्टिकल बनाया था। तो इसराइल वेस्ट बैंक, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ, यूट्यूब में सर्च मार दीजिएगा, आपको वो आर्टिकल, वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी। तो इस रिस्पेक्ट में पूरा का पूरा ये जो इसराइल के आसपास के इलाके की क्या केओस चल रहा है आपको समझ में आ जाएगा। इस रिस्पेक्ट में इस आर्टिकल में क्या बातें बताई गई हैं इनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट जो लास्ट आर्टिकल है वो है आउट ऑफ लाइन। भाई बंगाल के जो गवर्नर है जगदीप धनखड़ साहब, ये पोस्ट पोल वॉयलेंस जहाँ हुआ था कूच बिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि सबसे भयंकर था, वहाँ पे इन्होंने विजिट करी और विजिट करके इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए कि भाई वॉयलेंस है तो गलत है। अभी देखिए पोस्ट पोल वॉयलेंस गलत है, लेकिन इस रिस्पेक्ट में क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को कहीं भी जाके किसी प्रकार का पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहिए? इस रिस्पेक्ट में पहले भी बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी। ये कॉन्ट्रोवर्सीज वेस्ट बंगाल के गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी के समय पर भी हुई थी। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एम चन्ना रेड्डी जो कि तमिलनाडु के गवर्नर थे 1993 में, उस समय पे भी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा इशू भी हो रहा है उसमें एथिकल और मॉरल एंगल भी इन्वॉल्व है, उस केस में भी क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को किसी भी पॉलिटिकल इशू पे स्टेटमेंट देना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बातचीत करी गई है। तो इसको देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स में मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कंप्लीटेड है, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीटेड है, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स और सतीश चंद्र की मिडिल हिस्ट्री बन रही है, NCERT 6 से लेकर 12 तक की बहुत सी किताबें बन चुकी हैं, बहुत सी बन रही हैं। आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पे जो आप मैसेजेस भेजते हैं उनका जवाब मैं शॉर्ट्स में भी कभी कभी देने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे आपका सवाल इंपॉर्टेंट इनफ लगा तो मैं उसको शॉर्ट्स में इंक्लूड करूँगा। हो सकता है कभी कभी कोई सवाल मिस हो जाए तो आप रिमाइंड भी करा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए, और मेरे सारे लेक्चर्स की PDF जो कि मैं करंट अफेयर्स की बनाता हूँ, और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए, चूँकि YouTube सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। अब चालू करते हैं
In COVID storm, the key principles driven home, adherence to DREAM, would have mitigated the traumatic fallout of pandemic in India. देखिए, जब भी बहुत बल्क में इंसानों की मौत होती है और जब भी कोई पैंडेमिक निकल जाता है, तब कहीं ना कहीं हिस्ट्री और वो लोग जो उस पैंडेमिक से बचते हैं, उनके दिमाग में उस पैंडेमिक की जो यादें हैं ना, वो बस जाती हैं। कोविड का पैंडेमिक एक्चुअली में ह्यूमैनिटी को कितना नुकसान पहुंचा के गया, ये आगे आने वाले समय में ही पता चल जाएगा। इसका क्या फॉलआउट था इस वायरस का, ये आगे आने वाले समय में ही हमको मालूम पड़ जाएगा। इस रिस्पेक्ट में दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस की बात हो रही है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ केयर और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का बीच का फ़र्क एक्चुअली में दुनिया को समझ में आया जब आया लैंडमार्क एन्यूरिन बेवन लेट नेशनल हेल्थ सर्विस एक्ट 1946 में, जिसने यूनाइटेड किंगडम में हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम से डीलिंग कर दिया। और इस 1946 में यूनाइटेड किंगडम के इस नेशनल हेल्थ सर्विस एक्ट के थ्रू एक बेंचमार्क सेटअप किया कि पब्लिक हेल्थ को मार्केट फोर्सेस के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करने में सरकार का एक मेजर रोल है। अगर आपने इसको मार्केट फोर्सेस के हाथ में छोड़ दिया तो ओवरऑल जो हालात हैं वो उतने अच्छे नहीं रहेंगे। इस रिस्पेक्ट में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में अब तक हेल्थ की प्लानिंग को लेकर जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बना है अब तक, वो था बाय द हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप जो कि प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट किया था, और ये डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ था नवंबर 2011 में, जिसने ये कंक्लूड किया था कि प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज इज द ओनली वे टू रीच मेडिकल सर्विसेज टू द पॉपुलेशन एज अ होल। मतलब कि जब तक आप पब्लिक सर्विसेज को, पब्लिक फैसिलिटीज को, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्थ के फील्ड में डेवलप नहीं करोगे, तब तक देश की एक बड़ी आबादी के पास प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज पहुंच ही नहीं पाएंगी। कुल मिला के यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, कुल मिला के बताया यहाँ पे ये जा रहा है कि हमारे देश में 2014 के बाद इंश्योरेंस स्कीम को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली फैलाया गया इंडिया में। भारत में गुड हेल्थ को पाने के लिए इंश्योरेंस स्कीम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली डिसेमिनेट किया गया आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर। इस रिस्पेक्ट में आयुष्मान भारत प्रोग्राम के चारों तरफ बहुत हाइप है, ऐसा बोला जा रहा है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा इनलार्ज किया जा रहा है, लोगों को हेल्दी लाइफ देने की तरीकी की जा रही है। फरवरी 2021 में जो बजट आया उसमें खूब सारा पैसा एलोकेट किया, तो सरकार ने बढ़ चढ़ के बोला हमने इतने लाख करोड़ एलोकेट कर दिया। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो ऑथर हैं वो ये साफ साफ बोल रही हैं कि सरकार हेल्थ के फील्ड में कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोले कि उन्होंने बहुत कर दिया, उन्होंने एक्चुअली बहुत नहीं किया। और ये जो इंश्योरेंस वर्सेस पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस वाली बात है, क्या बताया जा रहा है, एक चीज़ होती है यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ केयर, एक होती है यूनिवर्सल पब्लिक हेल्थ कवरेज। कवरेज में क्या हो रहा है कि आपने सारी पॉपुलेशन को इंश्योरेंस दे दिया, और उस इंश्योरेंस के अंदर अगर उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को कुछ होता है तो एक अमाउंट ऑफ पैसे तक वो जाके इलाज करा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। आपको भी पता है कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो भले उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी ना हो, वो ज़्यादा बिल बनाने की कोशिश करते हैं। छोटी प्रॉब्लम में भी वो ज़्यादा बिल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हॉस्पिटल की भी कमाई हो, और वो पेशेंट से क्या बोलेंगे कि भाई तुमको तो आयुष्मान भारत में पैसा मिल रहा है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। अभी उस रिस्पेक्ट में अगर उसी पेशेंट को एक बार स्कीम बेनिफिट लेने के बाद दोबारा कोई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके पास पैसे नहीं बचेंगे स्कीम के अंदर खर्च करने के लिए। तो इस रिस्पेक्ट में, इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप देश के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को, आप देश के हॉस्पिटल्स वगैरह को इतना स्ट्रांग कर दो कि वही सबका इलाज कर दें, समझ रहे हो ना। मतलब आपको इंश्योरेंस देने की जरूरत ना पड़े, जो सरकारी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इतना स्ट्रांग करिए कि किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस की, और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना जो लाखों लाखों चार्ज करते हैं, इनकी उतनी ज़रूरत ना पड़े। और ये बात प्लानिंग कमीशन ने नवंबर 2011 में ही बोल दी थी कि भाई पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन इज़ द ओनली वे फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर। लेकिन ये जो 2014 के बाद से प्रेजेंट सरकार का स्टैंड है वो इंश्योरेंस पे ज़्यादा है, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का फैलाव और एक्सपेंशन वो उतना नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार के रिस्पेक्ट में एक चीज़ के लिए हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भाई ये प्राइवेट सेक्टर को बहुत सपोर्ट करता है, कॉरपोरेट्स को बहुत सपोर्ट करता है, हर चीज़ के प्राइवेटाइजेशन की बात करता है, इंक्लूडिंग आप कह सकते हो हेल्थ सेक्टर। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। फिर बात की जाए तो केरला की, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया होता ना, केरला ने अपने पब्लिक हेल्थ केयर में बहुत हैविली इन्वेस्ट किया 1950s में।
केरला पहले एक गरीब स्टेट था, उसके बाद इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे धीरे धीरे ट्रेंड पर्सनल लाने से, एक वेल लुक्ड आफ्टर पॉपुलेशन लाने से प्राइमरी हेल्थ केयर को यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है, लोगों की जो एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की उसको बढ़ाया जा सकता है, इकोनॉमिक एसेट्स को बढ़ाया जा सकता है। और एक स्टेट केरला जो कि एक समय पर गरीब स्टेट हुआ करता था, अब कहीं ना कहीं उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए जाके, उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी देश के एवरेज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कोरोना जैसी बीमारियों को केरला में बहुत इफेक्टिवली टैकल किया गया, ये हम सब जानते हैं। नेक्स्ट भाई, यहाँ पे जो सरकारी प्रिंसिपल है, अब यहाँ से केंद्र सरकार का क्रिटिसाइजमेंट शुरू हो रहा है। इनका ये बोलना है कि भाई केंद्र सरकार ने नए इंडिया में फेथ को साइंस के ऊपर रखा है, मतलब आपके बिलीफ को, आपके कंजर्वेटिव बिलीफ को साइंस के ऊपर रखा गया है, और जो रैशनलिस्ट हैं उनको वेस्टर्न या इंडियन बोला गया, जो रैशनलिस्ट साइंस के हिसाब से बात करते हैं उनको बोला गया कि भाई ये इंडियन एथोस के कल्चर के अगेंस्ट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन कर रहे हैं। इस रिस्पेक्ट में हमारे बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ मिनिस्टर, वो एक योगा गुरु के साथ ये बोलते हैं कि कोविड 19 का क्योर ढूंढ लिया गया है, कोरोनल नाम की एक दवाई थी, हालांकि बाद में WHO ने बोला कि किसी भी तरीके से उन्होंने कोरोनिल को इंडोर्स नहीं किया है। इस रिस्पेक्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उन्होंने मिथ को रीज़न के ऊपर प्रिविलेज दिए। एक हॉस्पिटल का जब इनॉग्रेशन हो रहा था मुंबई में 2014 में, तो उन्होंने बोला कि भाई इंडिया को प्लास्टिक सर्जरी एंशियंट टाइम से ही पता है, ये एक इंडियन इन्वेंशन है। आपको पता ही है कि भाई लॉर्ड गणेश साहब का जो सर था वो उनके फादर ने काट दिया था शिव भगवान ने, और बाद में एक हाथी का सर लगा दिया, तो दिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी जिसको यहाँ पे दिखाया गया। लेकिन ये सब जो आइडियाज़ थे, जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स थे, इन्होंने बहुत हद तक इन आइडियाज़ को नलीफाई किया। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे साइंस, रैशनलिज्म और एक्सपर्टाइज जैसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से इग्नोर किया गया है, ऐसा यहाँ पे चिश्ती मैम बोल रही हैं। फिर प्रेजेंट सरकार के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने साइंस के लिए जो पब्लिक एलोकेशन से जो पैसा एलोकेट करते हैं वो कम कर दिया है। इंडियन साइंटिस्ट ने दो स्पीकर्स को क्रिटिसाइज़ किया, ये स्पीकर्स इंडियन साइंस कांग्रेस के समय पे बोल रहे थे, जब यहाँ पे बिजारे अनसाइंटिफिक क्लेम्स किए जा रहे थे कि हिंदूज ने इन्वेंट किए स्टेम सेल साइंस। एक्चुअली इस प्रकार के जो क्लेम्स होते हैं ना, वो देश की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को भी बुरा करते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर इंडियन साइंस कांग्रेस हो रही है तो उसकी कवरेज केवल इंडिया में नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है, और अगर यहाँ पे अनसाइंटिफिक क्लेम्स किए जाएंगे तो इंडिया को फिर से पूरी दुनिया में एक पिछड़े देश की तरह देखा जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट, बेंगलुरु में, कोची में, कलकत्ता में, तिरुवनंतपुरम में। फिर आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अक्सर कर फायर के अंदर रहा है कुछ इस प्रकार के क्योर्स बताने के लिए, जिसको भले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंडोर्स करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो साइंस के थोड़ा अगेंस्ट जाते हुए नज़र आते हैं। इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो प्रेजेंट सरकार का जो कोरोना से हराने के लिए जो कुछ टैक्टिक्स अपनाई गई थी, एक्चुअली में वो कोरोना से हराने की टैक्टिक्स नहीं थी, वो लोगों से जोड़ने की टैक्टिक्स थी, जैसे कि थाली बजाना, कैंडल जलाना, इस प्रकार की जो प्रैक्टिस थी, आप कह सकते हो कि वो मोदी जी पॉपुलेशन के साथ जुड़ रहे थे, उस प्रकार की प्रैक्टिस है। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने उसको कोरोना से लड़ने के रिस्पेक्ट में दिखाया है। हाँ, प्रेजेंट सरकार की जो बुराई है, अब्रप्ट लॉकडाउन उन्होंने लगाया है, ये बात बिल्कुल सही है, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाना एक सही डिसीजन नहीं था, और इस बार जब थोड़ा बहुत लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत थी तो लगाया नहीं गया, बहुत तेज़ी से कोरोना फैला है। इस रिस्पेक्ट में मोदी जी की सरकार को इसीलिए यहाँ पे बहुत भरसक तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इन्होंने साइंटिफिक डिसीजन नहीं लिए हैं, और 28 जनवरी 2021 को मोदी जी ने पब्लिकली आके बोल दिया कि हमने कोरोना को हरा दिया, जबकि हम कोरोना को हराने के दूर दूर तक नहीं हैं। जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, उन्होंने बंगाल रैली में क्या बोला कि भाई इस रैली की वजह से कोरोना नहीं फैल रहा है, कुंभ मेला को करवाना है या नहीं करवाना है इसका डिसीजन किसने लिया, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने, जबकि इसका डिसीजन लेना चाहिए एपिडेमियोलॉजिस्ट को। एपिडेमियोलॉजिस्ट मतलब वो साइंटिस्ट जो एपिडेमिक्स को पढ़ते हैं, पैंडेमिक्स को पढ़ते हैं, साइंटिफिकली उनको इस बात का डिसीजन लेना चाहिए था कि भाई कुंभ मेला कराना है या नहीं कराना है। बट यहाँ पर डिसीजन साइंस और रेशनैलिटी के हिसाब से नहीं लिए जा रहे, यहाँ पर डिसीजन रिलीजियस जील के हिसाब से लिए जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोल रहा है। इस रिस्पेक्ट में सरकार कि एक बात को लेकर और बुराई हो रही है, और वो है डाटा इंटीग्रिटी। इस रिस्पेक्ट में सरकार की क्रेडिबिलिटी को बहुत हद तक डाउट किया जा रहा है। डाटा हेजिटेंसी सरकार का फीचर रही है, इकोनॉमिक डाटा को छुपाना, जीडीपी के पैरामीटर्स को अल्टर करना, बेसलाइंस बदल के कुछ और ही इकोनॉमिक डाटा उसको किसी और प्रकार से दिखाना, समय समय पर जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होती है, जो कंजम्पशन सर्वे डाटा होता है, उसको छुपाना,
उसको ना दिखाना, डाटा को सही समय पर रिलीज ना करना, COVID-19 की डेथ्स को प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट नहीं करना, ओवरऑल COVID-19 में अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को हार्ट की बीमारी, उसको COVID-19 हो गया तो वो मर गया, तो ऑब्वियस ही बात है COVID-19 से उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई इसलिए मर गया, लेकिन उसकी डेथ को कैसे दिखाना कि भाई वो हार्ट पेशेंट था इसलिए मर गया। तो इस प्रकार की चीज़ों के चलते आप एक बीमारी से हो रही वजहों की से जो डेथ हो रही, एक बीमारी की वजह से जो डेथ हो रही उसको प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप दो चीज़ कर रहे हो, एक तो वो जो पर्सन इस दुनिया से जा रहा है आप उसको अप्रोप्रिएट डिग्निटी और ऑनर नहीं दे रहे हो, उस दुनिया को छोड़ के चला गया। दूसरी बात, एक बीमारी के चलते जब कोई डेथ होती है उस डेथ का जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और एनालिसिस होता है तब हम इस बात को ठीक तरीके से पता कर पाते हैं कि हाँ भाई आगे इस प्रकार की डेथ्स ना हो, इस प्रकार के अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो, इस बात को साइंटिस्ट इंश्योर करें। बट जब देश में प्रॉपर तरीके से डेथ की रिपोर्टिंग होगी ही नहीं तब क्या किया जा सकता है। अब आप देखो कि जो हमारा स्ट्रेंट है B.1.617.2 ये जो स्ट्रेन इंडिया में फैल रहा है, अब बोला जा रहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की दवाई इसके अगेंस्ट कम इफेक्टिव है। इस प्रकार की अगर इन्फॉर्मेशन है वो इतनी लेट क्यों निकल रही है, इनको तो पहले निकलना चाहिए ना, समझ गया बात को। तो इस रिस्पेक्ट में यही सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि जो इंडिया का मॉर्टेलिटी डाटा है वो बहुत गुना कम है, एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे डेथ्स बहुत ज़्यादा कम दिखाई गई हैं। इनफैक्ट ये जो डिस्क्रिपेंसी दिखाई जा रही है सरकार की तरफ से वो इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए, भारत के लोग ज़्यादा भड़बड़ाएं ना, सरकार में भरोसा रखें, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए दिखाई जा रही है, बट लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज को बहुत डैमेज कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडिंग में। फिर अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो हम एक $5 trillion की इकॉनमी बनने का सपना देख रहे हैं, हमें सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, हम बिग रिच क्लब्स में घुसना चाहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उन लोगों को मैटर नहीं करती हैं जो दिन के $1.09 से कम पे जिंदा रहते हैं। यहाँ पे एक लेटेस्ट रिपोर्ट कोट की गई है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कहती है कि 230 million इंडियंस स्लिपिंग बिलो द ब्रेड लाइन ड्यूरिंग द पैंडेमिक, पॉवर्टी लाइन से नीचे 23 करोड़ इंडियंस और चले गए इस पैंडेमिक के दौरान, और इस समय पे इंडिया अगर अपने आप को विश्व गुरु दिखा रहा है इस बात पे ना ध्यान देते हुए कि देश में कितनी पॉवर्टी, और देश की पॉवर्टी को आप फ्री का अनाज चावल बांटने से अलग नहीं हटा सकते, आपको एक प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी नेट देने की ज़रूरत है। अभी इस रिस्पेक्ट में दुनिया की बाकी कंट्रीज से कंपेरिजन किया जाए तो जो बाइडन ने अच्छा खासा बिग स्पेंडिंग प्रोग्राम्स चलाए हैं US में, डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने समय चलाया था, बोरिस जॉनसन ने बोला कि भाई एज ऑफ ऑस्टेरिटी खत्म है, बोरो करके पैसा खत्म करना पड़ेगा, जर्मनी ने बहुत पैसा खत्म किया वॉर के बाद, चाइना ने एक हिस्टोरिक ड्राइव चलाई कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को खत्म करेंगे, और इंडिया क्या इस प्रकार का कुछ कर रहा है? ऑब्वियस ही बात है इंडिया इस प्रकार का कुछ भी नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि इंडिया में जो पॉवर्टी के बढ़ने का जो सबसे तेज रेट है ना वो 2005 से लेके 2015-16 के बीच में, मतलब 2005-06 से लेके 2015-16 के बीच में कुल मिला के, यहाँ पर ऑथर कांग्रेस की सरकार को आप कह सकते हो कि बड़ी वाहवाही दे रही है और बीजेपी की सरकार को साइड हटा रही है, मतलब 2005-06 से लेके 2015-16 ही ज़्यादातर टाइम कांग्रेस सरकार के अंदर था, तो इस टाइम पे पॉवर्टी हटी, बाद में पॉवर्टी बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक प्रकार का ये भी इंडिकेशन है कि भाई देखो कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही थी और बीजेपी की सरकार गलत काम कर रही। देखिए यहाँ पे बात ये है, सरकारों को साइड हटाइए, कुछ बातें जो यहाँ पे ऑथर बोल रही हैं बात बिल्कुल सही है, प्रेजेंट सरकार ने अनसाइंटिफिक तरीके से डिसीजन लिए हैं, गलत तरीके समय पे इलेक्शंस कराए हैं, कुछ देखिए पोटेंट जो क्रिटिसाइजमेंट है वो तो मानने ही पड़ेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा ये चीज़ अपने पेपर में मत लिखाना, सरकार को क्रिटिसाइज करने वाला कोई भी पॉइंट अपने पेपर में मत लिखना और ना ही इंटरव्यू में सीधे सीधे बोलना। आप गलतियाँ बता दो ठीक है ना, कि कोरोना फैल रहा सुपर, जैसे कि आप पेपर में लिख रखे हो कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स शुड बी अवॉइडेड, ठीक है ना, लाइक इलेक्शन, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स लाइक इलेक्शन रैलीज, ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल्स शुड बी अवॉइडेड, बट आप ये नहीं लिख सकते हो कि सुपर स्प्रेड द इलेक्शन रैलीज कंडक्टेड बाई पोलिटिकल पार्टीज वेंट आउट टू बी अ मेजर डिजास्टर। इस प्रकार से सीधे सीधे क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना आपके आंसर से लगना चाहिए कि आपको सीधे सीधे किसी को आप नहीं चिल्ला रहे हो, किसी को उल्टा सीधा नहीं सुना रहे हो, एक बैलेंस्ड अप्रोच, एक ब्यूरोक्रेट वाली भाषा आपकी आंसर में नजर आनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, लैंड अ हेल्पिंग हैंड टू चिल्ड्रन द राइट वे। फॉलोइंग द कोविड सर्ज द लॉस एंड प्रोसीजर्स फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन मस्ट बी नोटेड। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए ये जो सेकेंड वेव आई है कोरोना वायरस की, इसमें बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, वल्नरेबल हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया सोशल मीडिया इस रिपोर्ट से भरा हुआ है कि भाई इन बच्चों को अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है कर सकता है,
कुछ एनजीओ सामने भी आए हैं एडॉप्शन के लिए, लेकिन किसी भी ऑर्फन चाइल्ड को किसी भी एनजीओ को देने से पहले, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को देने से पहले, किसी भी फैमिली को देने से पहले, चाहे कितना भी अच्छा मूव हो, चाहे वो अडॉप्ट करने वाला कितना भी देवता किस्म का इंसान हो, लॉज और प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए इंडिया में बहुत से लॉज और प्रोसीजर्स हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल को कोई भी एक ऑर्फन बच्चा मिलता है, या फिर कोई एक ऐसा बच्चा जिसको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो टॉल फ्री चाइल्ड नंबर 1098 पे कॉल कर सकते हैं। ये एक इमरजेंसी फ़ोन आउटरीच सर्विस है जिसको मैनेज करता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स नोडल एजेंसी द चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन। तो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन चलाती है इस चाइल्ड लाइन हेल्प लाइन नंबर 1098 को, जो कि पूरे दिन ऑपरेट होती है और साल के सारे दिन ऑपरेट होती है। तो इसमें एक बच्चे के वेयर अबाउट्स को पहले लिया जाता है, उस बच्चे को तुरंत बेसिस पे मदद दी जाती है, और ये जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है वो उस बच्चे की कस्टडी ले लेता है। ये जो चाइल्ड लाइन यूनिट्स है ये बेसिकली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको सरकार ने अप्रूवल दिया है, ये कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है। दीज आर दो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिनको सरकार की तरफ से अप्रूवल मिला हुआ है इस फील्ड में काम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई पहला ऑप्शन आप ना लेना चाहो तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को इंटीमेट कर सकते हो। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉमिनेट किया है सरकार ने, जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है कि भाई इस प्रकार के जो होमलेस बच्चे हैं, जो पेरेंटलेस बच्चे हैं, उनकी मदद करना। और इन डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम फॉर मिसिंग एंड वल्नरेबल चिल्ड्रन पोर्टल पे पाई जा सकती है। इस पोर्टल को मेंटेन कौन करता है, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करता है। तो दूसरा ऑप्शन ये, एक और ऑप्शन है। तो तीसरा अल्टरनेटिव है कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए और उसके चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर से मिलिए। हर पुलिस स्टेशन में एक स्पेशली ट्रेंड ऑफिसर होता है जिसको चिल्ड्रन से रिलेटेड केसेस की डीलिंग में अच्छी खासी ट्रेनिंग प्राप्त होती है, और इसके बावजूद आप एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जो कि एक पैन इंडिया सिंगल नंबर है 112, जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को इमरजेंसी में। इसके लिए वेबसाइट भी है 112.gov.in, यहाँ पे भी आप नेसेसरी हेल्प ले सकते हैं। तो बेसिकली एक चाइल्ड जो कि कहीं ना कहीं अनाथ है, उसकी लीगल कस्टडी के लिए आपको रिपोर्ट करना ही है, और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो दिस विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर JJA, जिसको आप जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 भी बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ सीन है। अभी इन एजेंसीज को जब आप रिपोर्ट कर दोगे तो पता क्या होगा, जो भी एजेंसी को आप रिपोर्ट करेगी और वो एजेंसी जब ऑर्फन बच्चे को रिकवर करेगी, तो उसके बाद भाई वो जो एजेंसी, उसकी ड्यूटी क्या होगी, वो एजेंसी उस बच्चे को 24 घंटे के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास लेके जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, तो वो बच्चा रिकवर होने के बाद उस डिस्ट्रिक्ट की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाएगा, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यहाँ पे इंक्वायरी करेगी, और इंक्वायरी करने के बाद ये पता करेगी कि उस बच्चे को एक चिल्ड्रंस होम में भेजना है या फिर किसी ऐसी फिट फैसिलिटी में भेजना है या किसी एक पर्टिकुलर फिट पर्सन के पास भेजना है। मतलब कि जो एजेंसी यहाँ पे बच्चे को रिकवर कर रही है ऑर्फन बच्चे को, वो उस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास लेके जाएंगे, और फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये डिसाइड करेगी कि उसे इस ऑर्फन होम में रखना है या फिर उसे अडॉप्शन के लिए एलिजिबल मानना है। ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। अभी भाई अगर बच्चा 6 साल से कम का है तो उसको एक स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को दे दिया जाएगा। कुल मिला के जो सरकार है वो इन बच्चों का तब तक ध्यान रखेगी जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। जो 18 साल से कम के बच्चे भी अडॉप्ट किए जाते हैं ना, अक्सर कर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ होती हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिन फैमिलीज़ ने भी इन बच्चों को अडॉप्ट किया है वहाँ रेगुलर विजिट करते हैं और देखते हैं कि भाई बच्चों को ठीक तरीके से रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। इस रिस्पेक्ट में संपूर्ण बहरुआ वर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया जो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को सख्त आदेश दिए हैं कि जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर बच्चे की कस्टडी लेने की अथॉरिटी केवल उस पर्टिकुलर एजेंसी या एनजीओ के पास है जिसने अपने आप को रजिस्टर किया है पर्टिकुलर एजेंसी के साथ। कोई वॉलेंट्री एजेंसी, कोई एनजीओ जो कि JJA की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं है, वो एक बच्चे की कस्टडी नहीं ले सकता। अगर वो बच्चे की कस्टडी लेगा तो इट विल बी इलीगल। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एजेंसी, जो
एनजीओ रजिस्टर्ड है, केवल वही बच्चे की कस्टडी ले सकता है, नहीं तो कोई और बच्चे की कस्टडी नहीं ले सकता। इस रिस्पेक्ट में एक बार चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ने यह बोल दिया कि द चाइल्ड इज लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, उसके बाद उसको अडॉप्ट किया जा सकता है इंडियन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स के द्वारा, या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियंस के द्वारा, या फिर फॉरेनर्स के द्वारा। इस रिस्पेक्ट में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक सेक्युलर एक्ट है, यहाँ पे बच्चे को धर्म के हिसाब से सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाएगा। एक ऐसा ही और एक्ट है जिसका नाम है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये जो एक्ट है थोड़ा बहुत रिलीजन स्पेसिफिक है, नाम ही आ रहा है इसमें हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। प्लस इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत कम्बरसम है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो प्रोसीजर है वो उतना कम्बरसम नहीं है। प्लस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन है वो टोटली ट्रांसपेरेंट है, और जो भी प्रोग्रेस होती है बच्चे के अडॉप्शन की जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर वो एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पे देखी जा सकती है जिसका नाम है कारा, सेंट्रलाइज्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। सेंट्रलाइज्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी एक स्टेटरी बॉडी है जिसका पूरा डाटा एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होता है, और आप अक्सर कर जाके उस ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकते हो कि भाई क्या किया जा रहा है इस बच्चे के अडॉप्शन के रिस्पेक्ट में। ओके, अब देखिए क्या बोला जा रहा है। अक्सर कर होता यह है कि लोग बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो सीधी सीधी बात है कि अगर आप भलाई में भी किसी ऑर्फन बच्चे को गोद ले रहे हो तो गोद लेने से पहले जो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स हैं वो कर लीजिएगा, नहीं तो आप ट्रबल में फंस सकते हैं। एक एक्ट है जिसका नाम है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इसमें यह बताया गया है कि फादर होता है नेचुरल गार्जियन, उसके बाद उसके एब्सेंस में मदर होती है नेचुरल गार्जियन। अभी इन दोनों के अलावा कोई एक क्लोज रिलेटिव भी बिना अथॉरिटीज़ की परमिशन के बच्चों की कस्टडी नहीं ले सकता। इस रिस्पेक्ट में ही आपको ये बताया जा रहा है बार बार आरकेविज साहब की तरफ से कि अगर बच्चों की कस्टडी लेने की सोच रहे हैं तो प्रॉपर अथॉरिटीज़ के थ्रू ही उनको गोद लीजिएगा। फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सारे डीजीपीज़ को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मई 2013 में डायरेक्ट किया कि अगर कोई बच्चा ट्रैफिक होता है या एबडक्ट होता है, बेसिकली एक मिसिंग चाइल्ड के केस में हल्के से भी इस बात के चांसेस हैं कि ट्रैफिकिंग या एबडक्शन का केस इन्वॉल्व है, तो तुरंत पुलिस यहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को रजिस्टर करेगी। हर पुलिस स्टेशन में कम से कम एक ऑफिसर जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का हो, कम से कम उससे नीचे की पोस्ट का ना हो, उसको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि चिल्ड्रंस के रिस्पेक्ट में जो लॉज हैं उसके बारे में उसको पता हो, और चिल्ड्रंस की केयर और प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, जो रेलिवेंट संस्थाएं हैं, उसके बारे में उस ऑफिसर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई हो, ताकि ऐसे इंस्टेंसेस में अगर कोई केस उस पर्टिकुलर ऑफिसर के पास पहुँचता है तो वो उसको डील कर सके। और इस पर्टिकुलर ऑफिसर को यूनिफॉर्म में रहने की ज़रूरत नहीं है, वो चाइल्ड फ्री, मतलब चाइल्ड फ्रेंडली दिखना चाहिए, क्योंकि बच्चे अक्सर अगर हो सकता है कि पुलिस की यूनिफॉर्म देख के डर जाएं, तो उस केस में अगर वो बिना यूनिफॉर्म के होगा तो बच्चा हो सकता है ज़्यादा खुल मिल के उससे बात कर सके। उसके रिस्पेक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल पुलिस यूनिट होनी चाहिए जिसको हेड करना चाहिए एक ऑफिसर जो कि डीएसपी से रैंक के नीचे का ना हो, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस की रैंक से। फिर सुप्रीम कोर्ट ने री एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्फनेजेस इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु में नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद और जितनी भी पुलिस ट्रेनिंग एकेडमीज हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनसे ये बोला था कि भाई आप ट्रेनिंग कोर्सेज चलाइए अपनी पुलिस एकेडमी में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लेके। अब आप देखो कि अगर आप आईपीएस बनते हो और आईपीएस बनने के बाद आप हैदराबाद की नेशनल पुलिस एकेडमी में जाते हो, या फिर आप किसी स्टेट में डीएसपी भी बनते हो और वहाँ पे जाके पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यू विल बी द पुलिस ऑफिसर्स मैनिंग द कंट्री, तो आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए एक बच्चे के लिए क्या नियम कानून अवेलेबल है, एक सिचुएशन में उसको कैसे बचाना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये आपको आपके ट्रेनिंग एकेडमी में सिखाया जाएगा। और समय समय पे भी रेगुलर ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती है पुलिस ऑफिसर्स की, ताकि उनको सेंसिटाइज किया जा सके बच्चों के रिक्वायरमेंट के प्रति। जो बच्चे होते हैं दे आर एन इम्पॉर्टेंट नेशनल एसेट, और वेलबींग ऑफ द नेशन के लिए और हमारे देश के फ्यूचर के लिए बच्चे अच्छी तरीके से ग्रो और डेवलप करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल 39 में ये लिखा भी है कि भाई जो टेंडर एज है वह बच्चे की, उस समय पे उसको अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। तो COVID-19 के पैंडेमिक के समय पे बहुत सारे बच्चों के अनफॉर्चुनेटली माँ बाप नहीं रहे हैं और उनको मदद की ज़रूरत भी है, तो यहाँ पे आप अडॉप्शन करिए अगर कोई कर रहा है, दिल खोल के करिए, बट उस केस में आप अथॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस में लेके अडॉप्शन करिए। आप अपने इनिशिएटिव पे अडॉप्शन मत करिए कि
कि आपको लगा कि हाँ भाई हमें इस बच्चे की मदद करना चाहिए तो आपने अडॉप्शन कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। रीज़न बीइंग आप एलिजिबल होना चाहिए अडॉप्शन करने के लिए, उसके लिए आपको अथॉरिटी को प्रॉपर तरीके से चीज़ें रिपोर्ट करनी है और फिर अडॉप्शन करना है। अभी NCPCR ने यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज के चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा इस बारे में कि भाई COVID-19 के समय पर जो बच्चे भी ऑर्फन हो गए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी NCPCR को अवेलेबल करवाई जाए। यानी कि कोई भी बच्चा जो ऑर्फन हुआ है तो कोई भी एजेंसी, कोई भी NGO, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी ऐसे बच्चे के साथ डील कर रहा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन प्रायोरिटी बेसिस पे NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के पास आनी चाहिए, ताकि ऑब्वियसली बात है इस बात का ट्रैक रखा जा सके कि कहीं इस आड़ में उन बच्चों की ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि सबका ध्यान तो कोरोना के ऊपर है। और अगर कोई यहाँ पे गोद लेता है तो सबको लगेगा अरे वाह इसने तो बड़ा अच्छा काम किया, बट उसने गोद लिया है ये जानकारी अथॉरिटीज़ के पास भी होना चाहिए ताकि अथॉरिटीज़ रेगुलरली चेक कर सके। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जब किसी अडॉप्शन को अप्रूवल देती है तो बाद में रेगुलर चेक्स भी होते हैं कि वो बच्चा अडॉप्ट होकर जहाँ रह रहा है क्या सही तरीके से रह रहा है या नहीं रह रहा है। समझ गया बात को? फिर बात करते हैं सीज द फायर। इसराइल्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ डज नॉट एक्सटेंड टू इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस इन गाजा। इस रिस्पेक्ट में मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं, मैंने उन ऊपर वीडियोस का रेफरेंस भी दे दिया। आपको पता है कि इसराइल आर्म फोर्सेस पहले जेरूसलम के अल अक्सा मॉस्क में घुस गए और फिर अब कहीं ना कहीं गाजा में एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, आर्टिलरी फायर्स हो रही हैं। इसराइल पेलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इस हद तक आगे बढ़ गया, 119 पेलेस्टीनियंस की जान चली गई जिसमें 31 बच्चे भी हैं। और 10 मई से इसराइल ने फुल ऑन स्लॉट एक प्रकार का वॉर ही छेड़ रखा है पेलेस्टीन के अगेंस्ट, खासकर ये गाजा पट्टी के अगेंस्ट। गाजा पट्टी के अगेंस्ट जो सिविलियन पॉपुलेशन थी वो इस प्रकार का वॉर नहीं चाहती थी, लेकिन अब करें तो करें क्या, हमास जैसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के सामने नॉर्मल सिविलियंस की नहीं चल पाती है। और हमास की एग्जिस्टेंस इस बात पर डिपेंडेंट है कि वो एंटी इसराइल है, और हमास को बैकएंड से इसराइल ईरान का भी सपोर्ट है, हिजबुल्ला का भी सपोर्ट है। और इसराइल की तरफ से जो अटैक आया है, ऑब्वियस ही बात है हमास ने पहले अटैक किया तो इसराइल ने अटैक किया। शुरुआत तो देखिए कहीं ना कहीं इसराइल से हुई थी, कहीं ना कहीं अगर पेलेस्टीनियंस पूजा करने जा रहे थे, अपना जो भी उनके रिलीजियस फंक्शनिंग्स थी करने जा रहे थे अलग से हमास में, तो जाने दो यार, क्यों ज़बरदस्ती बीच में आप इंटरफेयर कर रहे हो। लेकिन उस रिस्पेक्ट में आपको पता ही है कि ये जो इसराइल की पॉलिटिक्स है ये बहुत ज़्यादा ज्यूइश आप कह सकते हो नेशनैलिटी पर चलती है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मैं जब टर्की गया था ना, टर्की में मैं घूमने गया था, और मैं कैपेडोकिया का एक इंस्टेंस बता रहा हूँ आपको। कैपेडोकिया में एक होटल में रुका था मैं, आई दिल्ली के होटल, वहाँ पे उस होटल का जो ओनर था ना, ही वॉज वेरी फ्रेंडली बहुत। और टर्की में जो टूरिज्म है ना, आप जब भी वहाँ पे जाके किसी प्रॉपर टूरिज्म से रिलेटेड पर्सन से बात करोगे वो बहुत प्यार से आपसे बात करेगा। तो वो जो होटल ओनर था वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था, उसकी हॉस्पिटैलिटी नेक्स्ट लेवल पे थी। मतलब वो होटल का ओनर था और खुद ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था हमको। तो जब मैंने उससे बात की, मैंने उससे नेशनलिटीज़ के बारे में पूछना किया, तो उसने बोला कि हर नेशनलिटी अच्छी है, बट हमारे प्रति एक नेशनलिटी का, एक प्रकार के लोगों का जो आप कह सकते हो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अजीब है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। मैंने कहा कौन? तो उसने बोला इसराइलीज। कहता इसराइलीज को खुश कर पाना, इसराइलीज को अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे पाना मुश्किल है, कहीं ना कहीं वो कमी निकालते रहते हैं। अब आप सोचिए, टर्की के लोग टर्किश ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं जो कि इस्लाम को अडॉप्ट कर चुके हैं, और जो ज्यूइश लोग हैं वो ऑब्वियसली बात है जुडाइज्म को फॉलो करते हैं, और पेलेस्टीन के साथ जो हो रहा है, तो यहाँ पे भी धर्म वाला एंगल आ ही गया है। यहाँ पे वो पर्टिकुलर पर्सन जो कि इतना फ्रेंडली था, इतना अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व कर रहा था, एकदम से वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बोल रहा है कि भाई इस प्रकार के लोगों को हैंडल कर पाना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी गलती, हो सकता है कि कोई ऐसा इजरायली आया हो जिसने वहाँ पे कुछ इस प्रकार की बात की हो, जिसने ऐसा बोला हो। तो ये जो धार्मिक कट्टरता है ये पेलेस्टीनियन इसराइल की लड़ाई में भी नजर आ रही है। अब इस रिस्पेक्ट में भले ही इसराइल को अपनी टेरिटरी को बचाने का सेल्फ राइट हो, लेकिन उसके पास ये राइट नहीं है कि वो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से रॉकेट ताबड़तोड़ बरसाया जाए और वहाँ पे गाजा पट्टी में लोग मर रहे हैं। डेली के बेसिस पे 400-500 लोग मर रहे हैं ऐसा सुनने में आ रहा है, हालांकि ऑफिशियल फिगर्स थोड़ा कम बता रहे हैं। आगे आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा कि किस हद तक हमास के हिस्से को इसराइल ने कब्जा है। मैंने कल की वीडियो में बहुत डिटेल में ये बातें आपको बताई भी हैं। फिर आप देखोगे कि ये जो इसराइल की हाई हैंडेडनेस है ये बहुत सारे और स्फीयर्स में देखने को मिल रही है। जैसे ईस्ट जेरूसलम में कहीं ना कहीं इसराइल अत्याचार कर रहा है, शेख जर्रा नाम की जो जगह है
वहाँ पे जो अरब सेटलर्स थे उनको उनके घर से खदेड़ देना, वहाँ पे जो सेटलमेंट्स को बढ़ाना, इसके चलते पेलेस्टीनियंस को गुस्सा बढ़ता जा रहा है और हमास ने इस बात का फ़ायदा उठाया और सीधे यहाँ पे अटैक ही बोल दिया। अभी जब हमास ने अटैक बोला तो इसराइल ने भी पलट के वॉर किया और इसराइल ने बोला है कि हम इस हमास का मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि हमास का मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। 2014 में भी 7 हफ्ते लंबा ऑपरेशन चलाया था इसराइल ने हमास को तोड़ने के लिए, बट हमास ख़त्म नहीं हुआ। और अब आप देखो पिछले 5 दिनों में हमास 1800 से ज़्यादा रॉकेट दाग चुका है इसराइल के ऊपर। तो अब इसराइल किस हद तक हमास को तोड़ पाएगा ये तो हम नहीं कह सकते, ये आगे आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हमास ने भी जो किया उसको भी किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे एक और एंगल है, इसराइल के शहरों में जो उनके राइट विंग ज्यू हैं और जो पेलेस्टीनियन पॉपुलेशन है वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, राइट्स छिड़ गए, एक प्रकार का सिविल वॉर सा छिड़ गया है। और जो प्रेसिडेंट है आपके इसराइल के, रियुवेन रिवलिन, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई सिविल वॉर यहाँ पे छिड़ सकता है और एक प्रकार का छिड़ ही है। तो इस रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि बहुत सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इस समय पर इसराइल में। तो भले ही इसराइल ने कोरोना वायरस को हरा दिया हो, लेकिन एक बहुत बड़ा वायरस उनके यहाँ अभी भी सर्कुलेट हो रहा है जिसके चलते ये लड़ाई हो रही है। इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो जो सेकेंड इंतिफादा हुआ था 2000 का, सेकेंड इंतिफादा, इंतिफादा क्या होता है कि जो पेलेस्टीनियंस अपनी लिबरेशन के लिए इसराइल के साथ लड़ रहे हैं इसको इंतिफादा बोलते हैं। तो सेकेंड इंतिफादा हुआ था 2000 में, 2000 के बाद आप कह सकते हो कि सबसे भयंकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस समय पर इसराइल की। इसराइल अपने आप को डिफेंड कर रहा है, इस बात को यूएसए ने भी सपोर्ट दिया और इस बात को जर्मनी में भी सपोर्ट दिया। लेकिन किसी भी हाल में ये जो हमास रॉकेट छोड़ रहा है, बहुत सारे रॉकेट्स को आयरन डोम ने नलीफाई कर दिया, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन बहुत सारे रॉकेट्स इसराइल की सिटीज़ के ऊपर गिरे भी हैं, लोग मरे भी हैं, इसमें एक इंडियन वुमेन और एक बच्चा भी मरा है। और ऑब्वियस ही बात है इसराइल की तरफ से जो रॉकेट जा रहे हैं उसमें तो सिविलियंस मर ही रहे होंगे। नो मैटर इसराइल कोशिश कर रहा हो कि वो मिलिटेंट्स को ज़्यादा मारे, बट सिविलियंस तो देखिए मरेंगे ही मरेंगे, एक लिमिट से ज़्यादा आप सिविलियंस को बचा नहीं पाओगे। तो इस रिस्पेक्ट में दोनों पार्टीज़ का स्टैंड गड़बड़ है। इस पर्टिकुलर इशू का एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि ये रेगुलरली न्यूज़ में आता ही रहता है, कभी ना कभी ये लड़ाई अपने आप से छिड़ती रहती है। तो इस लड़ाई का एक परमानेंट सोल्यूशन ज़रूरी है, बट एक्चुअली में नज़र आ नहीं रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं आउट ऑफ लाइन गवर्नर धनकर्स विजिट टू वायलेंस हिट एरियाज इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। देखिए वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ कूच बिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए। कूच बिहार वो इलाका था जहाँ पे बंगाल के इलेक्शंस के बाद काफ़ी कम्युनल वायलेंस हुआ था। अभी इस रिस्पेक्ट में ममता बनर्जी जी की अक्सर कर बुराई करते हुए नज़र आते हैं जगदीप धनखड़ साहब। अब यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के लिए, गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के लिए इलेक्टेड सरकार के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट देना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट बात कही जाती है। नो मैटर कि भाई पोस्ट इलेक्शन जो वायलेंस हुआ है बंगाल में वो वायलेंस बहुत गलत है। ममता बनर्जी जी ने बार बार ये बोला है कि भाई देखिए इस वायलेंस को आउट ऑफ कंटेक्स्ट दिखाने की कोशिश की है, ज़रूरत से ज़्यादा हाइप दे रही है केंद्र सरकार इसको, बट डिस्पाइट ऑफ दैट ममता बनर्जी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पर वायलेंस रोकना। प्लस भले ही यहाँ पर जगदीप धनखड़ साहब का ये जो स्टैंड है ये मॉरली और एथिकली करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है कि वायलेंस हुआ है तो ये वायलेंस नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ जगदीप धनखड़ साहब को बोलना चाहिए, लेकिन जो जगदीप धनखड़ साहब का बोलने की टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं उनके प्रो बीजेपी व्यूज़ को दिखाता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी प्रो बीजेपी स्टेटमेंट्स दे रहा है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि दिसंबर 2020 में भी जगदीप धनखड़ के ऊपर मिस बनर्जी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि भाई प्रेसिडेंट को गवर्नर को वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को पार कर रहा है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहा है, एक गवर्नर को पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। और अब जब मिस ममता बनर्जी फिर से तृणमूल कांग्रेस के दम पे वापस जीत के आ गई हैं तो अब तो बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए, लेकिन अब भी दिए जा रहे हैं। इस रिस्पेक्ट में पहले के कुछ गवर्नर से कंपैरिजन किया गया। नंदीग्राम नाम की जगह पे 2007 में एक पुलिस फायरिंग हुई थी जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय पे वेस्ट बंगाल के गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे और उस समय पे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था कि आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने गोपाल कृष्ण गांधी को सपोर्ट किया था कि भाई अगर 14 लोगों की जाने जा रही है पुलिस फॉर्मिंग में तो कहीं ना कहीं तो गवर्नर कुछ ना कुछ बोल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो क्या कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पे संदीप धनखड़ साहब ने जो बोला है उससे ये चीज़ निकल के आ रही है कि भाई ये
बहुत ज्यादा प्रो बीजेपी है, सॉरी संदीप धनखड़ नहीं जगदीप धनखड़। तो यहाँ पे जो जगदीप धनखड़ साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल प्रो बीजेपी नजर आ रहे हैं, चूंकि उनके जो पहले के स्टेटमेंट्स थे वो भी हमेशा के हमेशा पी बीजेपी हुए, और हमेशा से जगदीप धनखड़ साहब टीएमसी रिजीम को अपोज ही करते हैं। तो इसीलिए उनकी कूच बिहार विजिट को बहुत ज्यादा प्रो बीजेपी देखा जा रहा है। इस रिस्पेक्ट में अम चन्ना रेड्डी नाम के तमिलनाडु गवर्नर थे, जो कि AIADMK की रिजीम के दौरान 1993 में RSS के हेडक्वार्टर्स में चले गए। RSS के हेडक्वार्टर्स में उस समय बम फटा था, तो ये भी बड़ा अजीब तरीके से देखा गया कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नर RSS के हेडक्वार्टर्स में जा रहा है। तो इस प्रकार की बातें अक्सर कर यहाँ पे नजर आ रही हैं। वेस्ट बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस की जो प्रथा है, ट्रेडिशन, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और इसके लिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को भी यहाँ पे अपनी हद में रहना चाहिए। दोनों ही हद में नहीं है, ना इलेक्टेड सरकार हद में पोल वायलेंस दबा के हो रहा है, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड हेड गवर्नर हद में, वो भी भाई प्रो बीजेपी स्टेटमेंट दिए पे दिए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का एक प्रकार से मजाक उड़ रहा है, कोई भी पार्टी प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को नहीं मान रही, यही सब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी ही मदद मिलेगी। पिछले कुछ दिनों मुझे आप लोगों से बहुत प्यार मिला है, काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ इन वीडियोस को और शेयर करो, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।